नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुसलमानों और यादवों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वे यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। उनके इस बयान पर सोमवार को कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सांसद देवेश चंद्र ठाकुर कहीं बीजेपी के रंग में न रंग जाएं। सांसद हो या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, वो किसी भी व्यक्ति विशेष के नहीं होते। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर आक्रोशित हैं, इसलिए बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेताओं को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत शर्म की बात है। जब कोई सांसद बनता है तो वह पूरे क्षेत्र का सांसद होता है, किसी जाति विशेष के नहीं होता। सांसद के इस तरीके के बयान ओछी मानसिकता के प्रतीक हैं। ऐसे बयान समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। दरअसल सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने एक बयान में कहा था कि जब यादव और मुसलमान वोट डालते समय तीर के निशान में पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं तो मैं आपके लिए काम करते हुए लालू और लालटेन का चेहरा क्यों ना देखूं। उन्होंने कहा कि मेरे यादव और मुसलमान भाई, आइए, जरूर आइए, चाय पीजिए और जाइए, लेकिन काम की बात नहीं कीजिए क्योंकि मैं आपका काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं पहली बार कह रहा हूं और अब मैं यही करूंगा। जेडीयू सांसद के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि आरजेडी के अर्जुन राय को 51,356 वोटों से हराकर करारी मात देने वाले देवेश चंद्र ठाकुर पहली बार संसद में पहुंचे हैं। उन्होंने 5,15,719 वोट हासिल किए थे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।